हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज अ मिड मार्केट अपडेट। तो अभी 11:18 हो रहे हैं और मैं आपको मार्केट का अपडेट दे देता हूँ। छोटा सा अपडेटेड बुल और बियर लेवल्स की बात करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मार्केट में अब तक क्या हुआ। ठीक है गाइस। अच्छा, मार्केट सुबह बहुत अच्छा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद ये यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने ये जो भी ड्रामा सा किया, ये आप लोगों को पता है, प्राइस जो एक्सचेंजेस पे था वो स्टक हो गया था। मीनवाइल फ्यूचर के प्राइसेस थोड़ा सा मूव कर रहे थे, बट ये यहीं का यहीं था। अब यहाँ से आगे आप लोगों को क्या देखना है गाइस। यहाँ से अब ये करंट एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। मेरा जो टारगेट है वो 15,920 का है। 15,920 शुड बी अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट और वहां से इसको हल्का बहुत नीचे आना चाहिए। अगर 15,920 टूट गया तो हम एक बफर का लेवल लेकर चलते हैं, जो कि होगा 15,935। 15,935 हम लोगों का अब बुल लेवल होगा और इस बुल लेवल के ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। ऑन द अदर साइड गाइस, हमारे पास 15,775 बहुत ही बड़ा सपोर्ट अब बन चुका है, जो कि मैंने आई थिंक शायद प्रीमियम में बताया था, फ्री चैनल में बताया था, मेरे को याद नहीं। बट यहाँ से हम लोग को एक पहले भी बाउंस देखने को मिला, जो मैंने प्रीमियम वाली ट्रेड डाली थी फ्री चैनल में, वो हम लोग को एक बाउंस देखने को मिला था वहां से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का। तो ये लेवल अब बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, 15,775। दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अब आप इसको एज अ बियर लेवल ट्रीट कर चलोगे। ठीक है गाइस, वैसे मेरे को लग रहा है कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाके थोड़ा सा ड्रामा करके नीचे की तरफ वापस से टूटना चाहिए। बट हाँ, 15,935 अगर टूटेगा तो फिर मैं आज के दिन के लिए बुलिश हो जाऊंगा और फिर हमारे टारगेट्स वही 16,000, 16,060, 16,100 के आसपास तक के रहेंगे। ठीक है, बचा हुआ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, तो नीचे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। निफ्टी की बात गाइस बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोग को अपडेट डाला था चैनल में, वो अपडेट ये था कि 32,800 इज वेरी क्रूशल, वेरी वेरी बिग लेवल। तो ये लेवल मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। बट अगर ये कैसे भी तोड़ जाता है गाइस, बाय द मीन्स ऑफ तोड़ना, आई मीन 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। 15 मिनट्स की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर 32,800 टूटता है तो बहुत ही बड़ा फॉल हमको देखने को मिलना चाहिए। 32,200 या 31,000 वहां से आगे फर्दर 700। बट अभी के हिसाब से जो मेरे को लग रहा है, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, मार्केट को इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको बुलिश होना है तो 33,300 इज अ गुड इनफ लेवल। हाँ, अभी यहाँ से करंट प्राइस से थोड़ा सा दूर है, बट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगर आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेड करनी है। अगर तुक्का मार कर रहे हैं तो वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट हाँ, एक कॉन्फिडेंट ट्रेड 33,300 के ऊपर हम लोग को अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड गाइस। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।